कोरोना संक्रमण काल में संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी कड़ी में होशंगाबाद के आदिवासी केसला ब्लॉक स्थित सरकारी स्कूल के विज्ञान शिक्षक भी विज्ञान मॉडलों के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। विज्ञान शिक्षक राजेश पारसर खुद के खर्च से विज्ञान मॉडलों के माध्यम से जिले के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर लोगों को जागरूक करते हैं। राजेश पारसर ने 10 मॉडल बनाए जिसके माध्यम से वह लोगों को समझाइश देते हैं कि इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्या करना है क्या नहीं। वैसे तो राजेश जिले के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर लोगों के सामने प्रयोग कर समझाइश दे रहे हैं, पर लॉकडाउन की स्थिति में अब राजेश सोशल मीडिया का सहारा लेकर लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। कोविड का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, दूसरी लहर के बाद अब जब तीसरी लहर की भी भविष्यवाणी की जा चुकी है, तब ये जरूरी है कि हम इस वर्तमान संक्रमण को तो रोके ही, साथ ही साथ तीसरी लहर के संक्रमण की आशंका को भी समाप्त करें। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करें। व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए जो सरकार की गाइडलाइन है, स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है कि हम डबल मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी को बनाए रखें, अपने हाथों को लगातार साफ करते रहें, इन संदेश को वैज्ञानिक रूप से परीक्षण करने के अगर हम आम जनता को बताएं तो उसका ज्यादा प्रभाव हो सकता है। सभी को मेरा प्रेम है, जय श्री राधे। जैसा कि हम सभी जानते हैं इस समय कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। विज्ञान के शिक्षक राजेश जी के कुछ वीडियो दिखे, वो मॉडलों के द्वारा ये हमें समझा रहे हैं कि हमें कौन सा मास्क पहनना चाहिए, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना चाहिए। तो जब मैंने उनकी वीडियो देखे मुझे पहली बार में ही वो चीज समझ में आई। तो मुझे लगा कि मुझे आप सभी को ये बात बतानी चाहिए, आप भी उनकी वीडियो जरूर देखिए। बड़ा अच्छा लगा मुझे जिस तरह से वो हम सभी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं।